नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चोरी की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। पूरे संजय गांधी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं, फिर भी दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। आपको बता दें, मेडिसिन वार्ड में भर्ती मरीज को देखने पहुंची एक महिला के पर्स से लिफ्ट के अंदर 75,000 रुपये पार कर दिए गए। मिली जानकारी के मुताबिक महिला अपने रिश्तेदार को पैसे देने के लिए आई हुई थी, जहां लिफ्ट में ही उसके साथ यह वारदात हो गई। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यह महिला भर्ती मरीज के इलाज के लिए पैसा लाई थी अपने रिश्तेदार को देने के लिए, लेकिन लिफ्ट के अंदर ही चोर ने पैसे पर्स से निकाल लिए। वहीं दिन दहाड़े महिला के पर्स से 75,000 रुपये चोरी हो गए। सूत्रों की माने तो महिला भर्ती मरीज के इलाज के लिए पैसा लेकर अपने रिश्तेदार को देने के लिए आई हुई थी, लेकिन लिफ्ट के अंदर ही चोर ने पर्स से पैसे पार कर दिए, जिसके बाद से महिला का रो रोकर बुरा हाल है। आइए सुनते हैं पीड़ित महिला को उनका क्या कुछ कहना है। कहाँ जा रही थी आप? पचमटा से लिफ्ट में चढ़े हैं, वहाँ पे मेरा पैसा लगा। कहाँ से आई हैं आप? यहाँ अस्पताल में। कौन एडमिट है आपका? मेरी बड़ी सास एडमिट है। कैसे चोरी हुई आपकी? हम लिफ्ट में आए हैं, तीसरे नंबर पे मैंने देखा तो मेरे बैग की चैन खुली हुई थी। कितने रुपए थे आपके बैग में? 75,000। किस बात के लिए ली थी आपने? वो मेरी ननद के पैसे थे, उनकी 20 निकली थी, तो वो बोली घर से ले आना तो हम ले जाएंगे, तो हम बैग में रख के लाए उनको देने के लिए, तो वो निकल इलाज करवाने के लिए देने के लिए लाए। क्या मानती है अस्पताल के अंदर घटना हुई है? हाँ। लगातार चोरियां। हाँ। क्या नाम है आपका? सब अपनी। किसके साथ में थी आप यहाँ पे आई थी? मेरे मित्र छोड़ के गए। आपके पति आए थे साथ? हाँ।